के अंदर हमने क्या शुरू करना है, हमने हमारा HTML शुरू करना है, ठीक है। हमारी ये जो क्लास है ये चैटबॉट की क्लास है, तो इसके अंदर वैसे तो हम वेब डेवलपमेंट वाली चीज़ें नहीं सीखेंगे, जैसे HTML, CSS, JavaScript, ये हम इसके अंदर वेब डेवलपमेंट वाली चीज़ें नहीं सीखेंगे। लेकिन जाहिर है क्योंकि चैटबॉट जब बनेगा तो एक वेबसाइट पे ही लग रहा होगा वो, ठीक है। और HTML एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वेबसाइट में नहीं बल्कि और भी जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है ना, ठीक है। डिफरेंट तरह की जो UI बनाते हैं ना, तो वो XML की आपको और भी जगहों पे कभी कभी ज़रूरत पड़ती रहती है ना, तो ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो आज की जो एक क्लास है ना, हमारे पास अभी 1.5 आवर मौजूद है, तो इस 1.5 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम HTML का एक ऐसा ओवरव्यू ले लें इस क्लास में, ठीक है, कि पूरा HTML कवर हो जाए, ठीक है, ब्रीफली। सही है, वैसे तो HTML पढ़ने के लिए एक महीना कम से कम चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, ब्रीफली जो है ना, पूरे के पूरे HTML को आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा ओवरव्यू लेंगे कि आपको ना समझ आ जाए कि यार ये क्या बोला है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद HTML पहले से आती होगी, तो वो भी पता लग जाएगा कि कितनी आती है, तो देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी HTML जो है ना वो है क्या चीज़, HTML stands for क्या, what? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या है और मार्कअप लैंग्वेज क्या है ना, ये सवाल है ना, yes, कि जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो है ये हाइपर, चलो सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज अभी बताओ मुझे पहले, हेडिंग वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होगी लैंग्वेज तो उसको मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे। yes, sir, उसमें जी दोस्त, कंप्यूटर जो जुबान समझता है उसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, नहीं उसको तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज नहीं कहते उसको। जी, हाईलाइट करने के लिए। जी दोस्तों, यहाँ से भी सब अपना ओपिनियन, देखो ये जो मैंने सवाल पूछा है इसमें सही गलत नहीं है, ठीक है ना, अगर आपको पता होता तो आप इधर क्यों आते। ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये जो मैं सवाल पूछा है आपसे ये क्या है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आपके दिमागों के अंदर जो बात है उसको ज़रा मैं निकालूं आपके अंदर से ना। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप में कोई लड़का बहुत जीनियस बैठा हुआ है, कोई बहुत तेज़ लड़का बैठा हुआ है, तो वो निकल के सामने आता है ना, पता लगता है हमें। अच्छा, जब हमें पकड़ में आ जाता है कि अच्छा यार ये लड़का तो बहुत चला गया, तो फिर हम उसको ज़रा उसके हिसाब से इंटरटेनमेंट लगाते हैं उसकी, है ना, क्योंकि हर बंदे की इंटरटेनमेंट ज़रा अलग लेवल की होती है। अब जो बंदा चला गया वो अपना असाइनमेंट तो फ़ौरन करेगा, तो फिर उसको यहाँ पर बुला के ना यहाँ उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, आप लोगों को पढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग से ये भी मुझे फ़ायदा होता है कि मुझे भी समझ आ जाता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल की है, तो मैं फिर अपने आप को आपके लेवल पे लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके लेवल पे आकर आपको बात समझाऊं, तो आपके लिए भी समझना आसान होता है। तो इसके अंदर सही गलत नहीं है कोई, ठीक है ना, आपको जो भी आपको लगता है आप वो बताएंगे। अच्छा, सही बात क्या है फिर वो मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मार्कअप लैंग्वेज जो है ना, मार्कअप लैंग्वेज जो समझने के लिए ना, पहले हमें मार्कअप को समझना पड़ेगा कि ये मार्कअप क्या है, और मार्कअप से भी पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये वेबसाइट क्या चीज़ है, ये इंटरनेट क्या बल है। तो इंटरनेट जो है ना, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है, ठीक है। इंटरनेट क्या चीज़ है कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, मिसाल के तौर पर इस कमरे में इस वक्त तकरीबन 60-70 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं। अब ये तमाम लैपटॉप अगर इनको तारों से आपस में जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक छोटा सा इंटरनेट बन जाएगा, छोटा सा इंटरनेट बन जाएगा। अच्छा, अगर अब मिसाल के 100 कंप्यूटरों को मैंने यूं तारों से जोड़ दिया, अभी वाईफाई वगैरह सब बंद है उसका, अभी वो इंटरनेट से बाहर की दुनिया के इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, सारे कंप्यूटर को 100 को मैंने तारों से जोड़ दिया। अच्छा, अब किसी एक कंप्यूटर के अंदर मैंने इंटरनेट का कनेक्शन बाहर वाला लगा दिया, स्ट्रोम फाइबर वाला, तो अब ये सारे 100 कंप्यूटर किससे कनेक्ट हो गए, बाहर मौजूद तमाम कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए। तो इसी तरीके से दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में जो कंप्यूटर्स हैं, वो तमाम के तमाम कंप्यूटर जब आपस में तारों से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये तमाम कंप्यूटर कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, इंटरनेट कहलाते हैं, ठीक है। google.com असल में एक कंप्यूटर है जो कहीं अमेरिका में रखा हुआ है, और हम उसमें तारों के ज़रिए कनेक्ट हैं। अभी आप सोच रहे होंगे, नहीं यार हम तो तार से नहीं, हम तो वाईफाई से कनेक्ट हैं, ठीक है। तो वाईफाई भी असल में एक तार जैसा ही कनेक्शन है, एक्चुअली वो हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, वाईफाई वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, वैसे जो असल इंटरनेट है वो तारों के ज़रिए ही चल रहा है, यानी अमेरिका से यहाँ तक एक तार बिछाई गई है बाकायदा, और उसके ज़रिए हम वहाँ से कनेक्टेड हैं।
ठीक है, जैसे ये मोबाइल फ़ोन के जो टावर हैं, हम 4G चलाते हैं ना, हमें लगता है वायरलेस है, वायरलेस वायरलेस कुछ नहीं होता, वायरलेस हमेशा शॉर्ट रेंज के लिए होता है। बस ये पास वाला टावर है 1 किलोमीटर, अगर आप टावर से 1-2 किलोमीटर दूर निकल जाए तो ख़त्म, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तो आपका टावर फ़ोन से यूँ कनेक्ट होता है, लेकिन टावर के आगे जो है ना वो सारा तार है, जो मोबाइल फ़ोन का जो टावर है, जहाँ से 4G आपको मिल रहा है, वो टावर से जो आगे की कहानी है ना सारी, वो सारी तारों से है। तो टावर से एक तार निकल के PTCL तक जा रही होगी, जहाँ से इंटरनेट आ रहा है, या ट्रांसवर्ल्ड जा रही होगी। ठीक है, फिर ट्रांसवर्ल्ड से वो सबमरीन में उतरेगा, तो समुद्रों के अंदर जो तार है उसके साथ वो कनेक्ट होगा, और फिर वहाँ से होता हुआ अमेरिका में जाके वो फिर बाहर निकलेगा समुंदर से। अब वहाँ पे यहाँ तो PTCL है, वहाँ वेरिज़ोन है, वो वेरिज़ोन के ज़रिए फिर लोगों के घरों तक पहुँचा हुआ है, फिर वहीं गूगल के कंपनी तक भी पहुँचा हुआ है। तो असल में Google.com क्या है, एक कंप्यूटर है, ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का, इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है कि आपस में हर लिहाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं, Computer 1, Computer 2, Computer 3 और Computer 4, 4 कंप्यूटर हैं। तो एक तो कनेक्टेड होगा ना, एक इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है कि वन Computer number 1 2 से भी जुड़ा हुआ है, Computer number 1 3 से भी जुड़ा हुआ है, Computer number 1 4 से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर ये 1 हो गया, ये 1 तीनों से जुड़ा हुआ है, फिर 2, फिर 2 भी क्या हुआ है, 2 1 से भी जुड़ा हुआ है, 3 से भी और 4 से भी। फिर Computer number 3 किससे जुड़ा हुआ है, वो 1 से भी जुड़ा हुआ है, 2 से भी जुड़ा हुआ है और 4 से भी जुड़ा। तो ये तमाम के तमाम, ये वो बच्चे आपस में क्वेश्चन भी करते हैं ना IQ का, कि जी 10 लोग हैं, अब 10 लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितने हैंडशेक हुए टोटल, 10 लोग आपस में हर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितने हैंडशेक होंगे। तो आप समझ लें उतने ही हैंडशेक यहाँ पर भी हैं। अगर मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं तो इसमें 4 तारें नहीं होंगी, 4 से बहुत ज़्यादा तारें होंगी, सब के सब आपस में कनेक्ट हैं। अगर 1 चाहे तो 4 से बात कर सकता है, 3 चाहे तो 2 से बात कर सकता है, 2 चाहे तो 4 से और 1 से 3 से सबसे बात कर। तो ये सारे के इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड, कि आपस में हर लिहाज से ये जुड़े हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है। अच्छा फिर जो होता है ना हमारे पास, अच्छा जब ये शुरू शुरू इंटरनेट आया था ना तो ये वेबसाइट नहीं होती थी इसके अंदर ना, शुरू शुरू जब इंटरनेट आया था तो उसमें वेबसाइट नहीं होती थी, वेबसाइट तो बहुत बाद में आई है। तो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर ना, कंप्यूटर जब कनेक्ट हो गया आपका, तो ये क्या करते थे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज भेजते थे, जो कि टर्मिनल के ज़रिए जाहिर है चलता था, शुरू में टर्मिनल था कंप्यूटर में। अभी आप सब लोगों ने टर्मिनल थोड़ा सा यूज़ भी किया है गिट पढ़ते हुए, तो टर्मिनल के ऊपर मैसेज लिखते थे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो चला जाता था मैसेज। अच्छा फिर जब थोड़े दिनों में जब थोड़ी सी तरक्की होना शुरू हुई और लोग ये ज़रा इससे मामला सेट हो गए, अब लोगों ने सोचा अब आगे क्या करें, तो बिजनेसेस को ये चीज़ पिच की गई, बिजनेसेस को ये बताया गया। अच्छा बिजनेस उस वक्त क्या करते थे, अपनी मार्केटिंग के लिए वो पंफलेट छापते थे ना, अभी भी पंफलेट छापते हैं बहुत सारे बिजनेसेस, है ना, लेकिन अब वेबसाइट भी साथ में शामिल है। तो अब उनको ये बताया गया बिजनेस को कि यार अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि एक आपकी वेबसाइट का नाम लिखा जाए और आपकी वेबसाइट खुलकर आ जाए कंप्यूटर के ऊपर, अच्छा कंप्यूटर उस वक्त बहुत कम लोगों के पास होता था, तो एक ऐसा पंफलेट आपको बना के दे दिया जाए जो बंदे के घर लेके चला जाए बंदा, उसके बाद चेंज हो जाए वो। एक तो होता है ना मस्जिद में पंफलेट बेटा आपने लिया, अब घर जाएंगे तो वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। या कोई फ्रिज की दुकान है, कोई टीवी बेचने की दुकान है, उसने अगर एक फ्रिज लगाया है कि जी ये फ्रिज 70,000 का है, तो वो आपने पंफलेट लिया उससे, पंफलेट लेके आप घर चले गए, अब घर जाने के बाद उस फ्रिज का पीछे रेट बढ़ गया, आपको पता है हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, तो 70 से वो 80,000 का हो गया। अब आपके पास जो है ना वो 70,000 ही शो हो रहा है, क्योंकि कागज़ का टुकड़ा है ना आपके पास, तो आपके पास तो कागज़ का पंफलेट है, वो थोड़ी उसको पता है कि पीछे क्या हो रहा है। अच्छा तो बिजनेसेस को ये बात पिच की गई कि यार अगर आपको हम एक ऐसा पंफलेट बना दें, ये कंप्यूटर साइंस यानी आप और मेरे जैसे लोगों ने जाके उनके ना उनको बताया कि यार अगर ऐसा हो जाए कि ऐसा पंफलेट बन जाए आपका जो कस्टमर को दे दिया जाए और देने के बाद भी वो बाद में जब देखे तो वो जब जब आप चाहें वो चेंज होता रहे, तो इस जगह पर वेबसाइट का जन्म हुआ। तो वेबसाइट क्या होती है, वेब, अच्छा वेब भी ना, और इंटरनेट और वेब असल में एक ही चीज़ का नाम है। वेब असल में अंग्रेज़ी में कहते हैं मकड़ी के जाले को कहते हैं वेब। अब अगर आप वेब को देखेंगे ना, वेब की जो शक्ल होती है देखने में, वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर की शक्ल बिल्कुल वेब जैसी होती है, कि जी हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरह से, तो उसमें भी वो जाला ना यूँ एक सारे जाले आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इस नस्बत से इसको हम कहते हैं वेब, है ना, वेबसाइट जो कहते हैं ना हम इसको, असल तो नाम इंटरनेट है लेकिन वेब इसको इसी नस्बत से कहते हैं कि जो देखने में वो मकड़ी के जाले की तरह है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पाऊँ कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ना इंटरनेट और मैं इमेजेस पे जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे वो नज़र आ जाएगा,
है ना, कुछ इस तरह का होता है ना, अगर बहुत सारे कंप्यूटर हों और सारे आपस में जुड़े हुए हों, तो आप समझें एक ये जो रोशनी है ये कंप्यूटर और ये सारी तारे हैं, ठीक है। और बेहतर अगर कोई मुझे इमेज मिल जाए, इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स है ना, अगर सारे कंप्यूटर अगर आपस में जुड़ जाएं तो कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी, है ना, कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। तो ये देखने में बिल्कुल मकड़ी के जाले के जैसा नज़र आता है, तो इस निस्बत से इंटरनेट को हम कभी कभी वेब भी बोलते हैं। अच्छा, और साइट किसको कहते हैं अंग्रेजी में, साइट किस चीज़ को कहते हैं हम? साइट कहते हैं किसी जगह को, है ना, साइट किसी जैसे वो होता है ना, कहीं पे कंस्ट्रक्शन होती है तो वो बंदा बोलता है अच्छा यार मैं साइट पे जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा हूँ, कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है उस जगह पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि जाहिर है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है, तो उसमें से हर एक कंप्यूटर क्या है, एक जगह है ना, और उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होता है, हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता मैं, लेकिन हर कंप्यूटर को क्या मिलता है, एक अदद आईपी एड्रेस मिलता है, और वो उसका एड्रेस होता है, जैसे फिजिकल गली मोहल्लों के अंदर उसका एड्रेस होता है ना जगह का। तो जब मैं कहूँगा कि जी मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा हूँ, तो वो कहाँ पे है जी, अच्छा जी रिंग रोड पे जा रहा हूँ, अच्छा जी इत्तेहाद कॉलोनी जा रहा हूँ, तो ये उस जगह का एक नाम होता है, उस जगह की एक एड्रेस होता है, एक लोकेशन होता है, तो वो एक फिजिकल जगह होती है। तो इसी तरह कंप्यूटर भी जब आपस में कनेक्ट होते हैं, तो हर कंप्यूटर को यूनिक एक एड्रेस मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उस जगह पे जाया जा सकता है, उस जगह पे जाया। तो ये वेब साइट जो है इस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर की कोई एक लोकेशन होती है, कि जैसे ये वाला कंप्यूटर, जैसे फेसबुक डॉट कॉम, जैसे गूगल डॉट कॉम, जैसे अमेजोन डॉट कॉम, ठीक है, जैसे ओएलएक्स, तो ये सारे ये इस जाल के अंदर मौजूद कोई ना कोई कंप्यूटर के नाम है। अच्छा, अब किसी एक कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वेबसाइट लगी हुई होती है। मिसाल के तौर पे गूगल डॉट कॉम जब हम लिखते हैं, तो हमारे कंप्यूटर से क्या होता है, हमारा कंप्यूटर भी इन कनेक्टेड कंप्यूटर में से एक है इस वक्त। हमारा कंप्यूटर भी आप सब लोगों के पास जो वाईफाई से आप कनेक्ट है ना, क्योंकि तो आपका कंप्यूटर भी इस जाल का हिस्सा है इस वक्त। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप इमेजिन करें कि ये कंप्यूटर आपका है, यहाँ से आपने लिखा गूगल डॉट कॉम, तो गूगल डॉट कॉम लिखने से आपको तो नज़र नहीं आता है, लेकिन असल में होता क्या है, पीछे यहाँ से एक रिक्वेस्ट निकलती है, और इमेजिन करें कि ये है गूगल डॉट कॉम का कंप्यूटर, इधर है, ठीक है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट निकलती है, इधर से ऐसे यूं होते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है। जब ये यहाँ पहुँचती है, तो इसको जवाब में क्या मिलता है, वहाँ से एक वेबसाइट का पेज मिलता है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है, ठीक है, जैसे एक पीडीएफ फाइल होती है, इस तरह की एक चीज़ मिलती है, उसको वो लेके क्या आता है, वापस आपके कंप्यूटर में आता है। अच्छा, आते जाते अब देखो कितने सारे रास्ते हैं, ये यहाँ से भी जा सकता है यूँ, है ना, यूँ होके ऐसे भी जा सकता है, इधर से पीछे से घूम के भी जा सकता है, रास्ते बहुत सारे हैं इसके पास जाने के, है ना। एक्चुअली यही होता है, रियल लाइफ में भी इसी तरह होता है, रास्ते बहुत सारे होते हैं, वो कहीं से भी घूम के निकल जाता है। तो जी वहाँ से गूगल डॉट कॉम तक गया, और गूगल डॉट कॉम से वापस क्या लेकर आ गया, एक पेज लेकर आ गया, एक HTML का पेज लेकर आ गया। अच्छा, अब ये तो कहानी चलो समझ आ गई कि जी आप कंप्यूटर कैसे रابطہ कर रहे हैं, आपस में कैसे कनेक्ट हुए हैं, थोड़ा सा इंटरनेट को हमने समझने की कोशिश की कि है क्या भला। अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सवाल तो है ना जहन में एक आया होगा आपके, कि यार अगर तो ये सारे कंप्यूटर जुड़ने से ही इंटरनेट बन जाता है अगर, तो ये हमसे केबल वाला पैसे क्यों लेता है इंटरनेट के? भाई अगर मैं ये 100 कंप्यूटर यहाँ मौजूद हैं, 100 को आपस में जोड़ दूँ तो इंटरनेट बन जाता है अगर, लेकिन उस इंटरनेट में गूगल नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे गूगल कोई नहीं है हम में से, है ना, हम में से कोई गूगल नहीं है, गूगल का ज़रा कंप्यूटर बड़ा लगा हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक कंप्यूटर है ना, उसके वो जुड़ गया, अगर सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ गए तो इंटरनेट तैयार हो गया। अब मसला ये कि ये हमसे पैसे क्यों लेते हैं, सवाल है ना एक, वो हमसे पैसे इसलिए लेते हैं क्योंकि ये तो थोड़े बहुत आपको दिख रहे हैं ना, ये तो असल में बहुत लंबी तार है, यहाँ से अमेरिका तक तार बिछी हुई है, वो तार कभी टूट जाती है, कभी वो हो जाती है, कभी उसमें नई तार डालनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस से बकाया था, तो उसके लिए मजदूर रखे हुए हैं, तो ये इन चीज़ों की कॉस्ट होती है जो हम पैसे दे रहे होते हैं ना इंटरनेट के। जैसे अभी मोबाइल वाले ने इतना बड़ा टावर लगाया हुआ है, जिससे आता है ना, अब वो टावर कभी आगे पीछे करना होता है, मेंटेनेंस होती है, बंदा चढ़ाना पड़ता है, फिर उस टावर को लगाने भी मेहनत लगी है, आपको पता है सबमरीन में जो केबल बिछी है पता नहीं अरबों डॉलर उसके अंदर खर्च हुए हैं, तो ये वो वाली कॉस्ट है कि एक बंदे ने तार बिछाई है यार आपके लिए बिछाई है, तो आपसे वो 1000-1200 महीने के अगर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर ये तार हम खुद बिछा देंगे तो हमारे लिए इंटरनेट फ्री हो जाएगा, लेकिन क्यों बिछाएंगे यार तार, है ना, जब कोई हमारे लिए खिदमत कर रहा है तो हम खुद करने की क्या ज़रूरत है, थोड़े से पैसे देंगे इस्तेमाल करेंगे हम,
ठीक है, तो ये भी एक मैंने सवाल का जवाब दिया कि हम इंटरनेट के पैसे क्यों देते हैं। पैसे इसलिए देते हैं कि किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको कुछ ना कुछ रिटर्न उसके बदले में चाहिए। अच्छा तो जी ये हमारी बात समझ आ गई हमें कि जी इंटरनेट क्या होता है। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल होता है इंटरनेट, और हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। और जब हम google.com से बात करते हैं तो वो हमें क्या जवाब देता है? एक HTML का पेज देता है। जब हम facebook.com से बात करते हैं तो HTML का पेज देता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कंप्यूटर दे। मिसाल के तौर पर मैं आपके कंप्यूटर से बात करूंगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा सामने से, वो कुछ नहीं बोलेगा, है ना। अच्छा गूगल लेकिन बोलता है, इसका मतलब है मैं आपके कंप्यूटर से बात करूंगा तो मैं कुछ भी बोलता रहूँ वो सामने से खामोश रहेगा, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर डला हुआ नहीं है, इस तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई भी कि वो क्या बात करे। कंप्यूटर को भी बताना पड़ता है ना, अच्छा कोई पूछे तो ये बोलना। जैसे हम अपने मुलाजिम को आते हैं ना कि पूछे वो साहब घर पे हैं तो नहीं यार नहीं क्यों है, बोलो कि हाँ है अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। झूठ बोलना सिखा रहे बच्चों को। अच्छा चलो ये तो खैर मजाक की बात है। तो वो लतीफ़ा है ना, बचपन में हम सुनते थे कि जी वो छोटा बच्चा होता है उसको कहता है बेटा जाओ बोलो अब्बू घर पे नहीं है, तो वो क्या बोलता है कि अंकल अंकल अब्बू कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। अच्छा तो अब ये यार वेबसाइट जो है, ये पेज जो है, ये इसका क्या चक्कर है, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं ना। अब एक मैं google.com के कंप्यूटर से बात करता हूँ तो google.com के कंप्यूटर ने मुझे क्या भेजना है रिटर्न में? एक पेज भेजना है, एक डॉक्यूमेंट भेजना है, एक पम्फलेट भेजना है जो पहले कागज़ की सूरत में होता था वो भेजना है मुझे, ठीक है ना। तो अब जाहिर है इसको बनाने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए, इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए ना। अच्छा आप सोच रहे होंगे एम एस वर्ड के हिसाब से, एम एस वर्ड के भी पीछे यही एच टी एम एल चल रही है, कोडिंग चल रही है, ठीक है। एच टी एम एल जब आप एम एस वर्ड के अंदर कोई बात लिखते हैं और सेव करते हैं तो वो असल में पीछे एक्स एम एल फॉर्मेट में, एक्स एम एल फॉर्मेट जो ऐसे लगा हुआ है ना एरो एरो जो लगा हुआ है इसको एक्स एम एल फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। तो वो एक्स एम एल में ही असल में पीछे सेव हो रहा होता है, ठीक है। हमें लेकिन नहीं दिखता है क्योंकि वो एज अ नॉन टेक्निकल बंदे हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसका मकसद कोडिंग दिखाना नहीं है, कोडिंग बिहाइंड द सीन उसके अंदर हो रही होती है आपको पता नहीं लगता, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ वो नज़र आता है जो आपने लिखा है, लेकिन बिहाइंड द सीन असल में उसके पीछे भी यही एग्जाम्पल चल रही होती है जो हमें नज़र नहीं आती है। अच्छा तो हम ये बात कर रहे थे कि जी मार्कअप क्या होता है। अच्छा मार्कअप ये होता है कि जैसे आप जर्नल बनाते हो, है ना, एक खाली कागज़ लेते हो आप और उसके अंदर आप एक हेडिंग लगाते हो, उसको मार्कर, मार्कर जो है असल में वो यही होता है कि मार्क करने वाली जो चीज़ होती है। तो मार्कर आप मोटे मार्कर से हेडिंग आपने लगाई, फिर आपने जी ज़रा ब्लू पेन से कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर आपने एक डायग्राम बना दिया, उसको लेबल कर दिया डायग्राम को, है ना। तो दिस इज़ हाउ यू मेक योर जर्नल्स। ये जो जर्नल बनाने के लिए जो जो भी काम कर रहे होते हैं हम, सारा मार्कर से जो भी निशान लगाया हमने, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो अंडरलाइन हो, चाहे वो किसी के ऊपर मैंने कोई फूल पत्ती बनाई हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर कॉल्ड मार्कअप्स। अंग्रेजी के अंदर हम इनको क्या कहते हैं? मार्कअप्स कहते हैं। अच्छा तो असल में तो हमें क्या जो पम्फलेट बनता है, जो उसमें मार्कअप्स होते हैं ना सारे, पम्फलेट जो बनता है वो सारा मार्कअप लगा के असल में एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। तो इस मार्कअप को लगाने के लिए हमें क्या चाहिए थी? हमें एक लैंग्वेज चाहिए थी, ठीक है। इस मार्कअप को बनाने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए थी, जो कागज़ के ऊपर तो हम हाथ से मार्कर चलाते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर इस मार्कअप को बनाने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए थी, दैट इज़ कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज HTML के अलावा भी बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन हम इस क्लास के अंदर जो HTML को पढ़ेंगे और वेबसाइट बनाने के लिए जो मार्कअप लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो HTML है, ठीक है। HTML के अलावा कोई दूसरी मार्कअप लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के काम में हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। सिर्फ HTML का काम है यहाँ एज अ मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा तो ये बात हमें समझ आ गई। तो उस वक्त के साइंटिस्ट ने ना क्या किया, एक लैंग्वेज तैयार की जो आज हम जिसको HTML के नाम से जानते हैं, वो लैंग्वेज तैयार की, उसके ज़रिए डॉक्यूमेंट तैयार किया और फिर जो वेबसाइट में वो लैंग्वेज इस्तेमाल होने लग गई। अच्छा ये सब लोगों को बात समझ आ गई, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा अब ये मार्कअप लैंग्वेज भी चलो समझ आ गया कि पम्फलेट को बनाने के लिए जी हेडिंग लगेगी, पैराग्राफ लगेगा, डायग्राम लगेगी और सारी फूल पत्तियाँ उसमें लगेंगी, तो ये मार्कअप लैंग्वेज से ये काम हो सकता है, ठीक है। अच्छा लैंग्वेज कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, है ना, कंप्यूटर से हम बात करते हैं जब, तो हम एक ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं जो कंप्यूटर समझता है जिसको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्कअप लैंग्वेज, जैसे अभी एक उर्दू ज़ुबान है या इंग्लिश ज़ुबान है, अब इसके अंदर रोज़मर्रा की जो बातचीत है वो सारी हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश के अंदर कोई ख़ास किस्म की बात है वो आप कर ही नहीं सकते, है
है ना, या पश्तो के अंदर कोई ख़ास किस्म की बात अब आप करें, तो रोज़मर्रा में जितनी बातों की ज़रूरत पड़ती है वो इसके अंदर इस लैंग्वेज में हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से मार्कअप को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है वो सारी HTML के अंदर शामिल की गई हैं, वो सारी चीज़ें HTML के अंदर शामिल की गई। मिसाल के तौर पर अब अगर कोई ऐसी नई चीज़ आ जाती है मार्केट में जिसका पश्तो के अंदर कोई नाम नहीं है, तो थोड़े दिनों में क्या होगा, उसका नाम पड़ जाएगा कुछ ना कुछ। या अगर पश्तो के अंदर कोई नाम नहीं रखा गया तो जो इंग्लिश में उसको बोलते हैं वो बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे एक चीज़ होती है मैसेज, है ना, मोबाइल में मैसेज जो हम करते हैं तो ये पश्तो का वर्ड तो नहीं है, मैसेज तो उर्दू का इंग्लिश का वर्ड है, तो पश्तो के अंदर इसका कोई नाम नहीं रखा गया तो वो इंग्लिश वाला ही चल रहा है, व्हाट्सएप, कि जी आप मुझे ये व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप करना तो पश्तो में तो नहीं है ये शामिल। अच्छा, हो सकता है थोड़े दिनों में व्हाट्सएप का कोई पश्तो नाम पड़ जाए, हो सकता है ना पड़े, हो सकता है इंग्लिश वाला चलाते रहे। ठीक है, अरबी वैसे हर चीज़ का नाम रखते हैं, अरबियों ने इसका भी नाम रखा हुआ है अपना, हर चीज़ का, जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, जैसे हम कहते हैं अच्छा जी नोकिया का फला वर्जन है ये, तो उन्होंने उसके अपने नाम रखे होते हैं, वो ये वाला नाम यूज़ नहीं करते, उन्होंने अरबी में नाम रखते हैं वो। तो इसी तरह पहाड़ों वगैरह के भी, हम पहाड़ों के तो नाम नहीं रखते ना, आपके घर के जो चार दरवाजे हैं अगर, तो चारों दरवाजे के अलग अलग नाम तो नहीं होते ना, तो वो नाम रखते हैं। ठीक है, तो उनकी एक क्वालिटी है ये, वो घोड़ों के नाम रखते हैं वो अपना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी तलवारें थी उन सबका नाम आज भी किताबें मौजूद है, और जितने घोड़े उस वक्त सहाबा इस्तेमाल करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में थे, उन घोड़ों के भी नाम हम जानते हैं आज, है ना। हज़रत अली की तलवार का नाम जानते हैं हम, हज़रत अली के घोड़े का नाम जानते हैं। तो वो अरब के अंदर ये एक रिवाज होता है कि जी हर चीज़ का वो नाम रखते हैं। तो हमारे यहाँ जो इस तरह का रिवाज नहीं है, थोड़ा हमारे यहाँ कम रिवाज है, हम ज़रा चीज़ों का नाम जब रखते हैं जब बिल्कुल मजबूरी हो ना, अभी कोई ऑप्शन नहीं है और, तो फिर हम उसका नाम रखते हैं, अदरवाइज़ हम उसका नाम जो चल रहा होता है वही इस्तेमाल करते हैं। तो वेल, मार्कअप लैंग्वेज तो यहाँ पे हमें समझ आ गया, अब हाइपर टेक्स्ट क्या बला है, हाइपर टेक्स्ट क्या बला है ये, जी ब्रेन स्ट्रोमिंग का सवाल है, आपको जो भी लगता है और जो भी ओपिनियन है आपका वो आप दे सकते हैं, कोई भी आप में से बता दे। टेक्स्ट पे हम क्लिक करें तो कुछ ना कुछ हो, ठीक है, जब हम टेक्स्ट को टच करें यूँ तो वो सामने से रिएक्ट करें, इस तरह का जो बिहेवियर है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ ये मार्कअप लैंग्वेज है, ना सिर्फ इससे एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा जो कि बिल्कुल पम्फलेट जैसा दिखता होगा, ना सिर्फ ये डॉक्यूमेंट तैयार होगा बल्कि उस पम्फलेट के अंदर किसी टेक्स्ट को मैं क्लिक करूँगा या टच करूँगा, हाथ लगाऊँगा किसी टेक्स्ट को, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करने की भी सलाहियत रखता है। ठीक है, जो कि आमतौर पर कागज़ वाले पम्फलेट में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि मैं किसी कागज़ के किसी वर्ड को टच करूँ और वो सामने से कुछ करे, है ना, तो ये नहीं होता है उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, एक ऐसा पम्फलेट तैयार होगा, एक ऐसा मार्कअप तैयार होगा जिसके मैं किसी टेक्स्ट को कुछ टच करूँ ना तो वो बिहेव करने की भी सलाहियत रखता होगा ना। अच्छा, तो आ जाते हैं हम, सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड बना लेते हैं, है ना, HTML का हेलो वर्ल्ड हम बना लेते हैं। ओके, सेक्शन ए कहाँ चला गया, अच्छा ये सेक्शन ए आ गया हमारा, यहाँ पे मैं टर्मिनल खोलता हूँ सेक्शन ए के अंदर और इसको मैं कहता हूँ कि जी कोड स्पेस डॉट, ठीक है जी। अच्छा, ये वही रिपोजिटरी है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बनाकर दिखाई थी, ठीक है। अच्छा, इस फाइल को छोड़ देते हैं अपनी जगह पर, इसको बल्कि डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर से कोई भी बनी हुई फाइल मैं डिलीट करूँगा और दोबारा पुश करूँगा तो वहाँ से भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक फ़ाइल जो थी पहले के बनी वो डिलीट मार दी और अब मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ। अच्छा, अब जो ये हम हेलो वर्ल्ड बना रहे हैं इसमें मैं आपको जैसे बताऊँगा ना आपने बिल्कुल उसी तरह इसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहला फ़ाइल का नाम क्या होना चाहिए, फ़ाइल का नाम index.html होना ज़रूरी है। अगर इस नाम को आपने ज़रा सा भी चेंज किया तो जो रिज़ल्ट है वो आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, अगर आपने इस नाम को ज़रा भी चेंज किया, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, स्मॉल लेटर के अंदर index.html, ठीक है, इसको आप स्मॉल कैपिटल भी चेंज नहीं कर सकते, इसके आगे और पीछे आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका नाम index.html ही होना चाहिए। अच्छा, ये बना दिया मैंने फ़ाइल का नाम, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ
ये लगाता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर होता है आपके कीबोर्ड में, वन के बटन पर, जो वन का बटन है उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने दबाया और ये दबाते ही क्या होता है, नीचे मेरे पास सजेशन आ जाती है, ठीक है, नीचे मेरे पास दो सजेशन आ जाती है। तो वेल मैं ऐसे इसको एक्सक्लेमेशन मार्क दबाता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, माउस को टच नहीं किया मैंने। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये एक बॉयलर प्लेट HTML का कोड आ गया, ठीक है। बॉयलर प्लेट हम किसको कहते हैं, कि वो ऐसा कोड जो हमें हर दफ़ा चाहिए होता है, ऐसा कोड जिसको हमें हर दफ़ा चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे जैसे कोई घर बनता है अगर, तो नीचे बुनियाद पहले सेट करनी होती है हर दफ़ा, ठीक है, उसके बाद ही दीवारें खड़ी होती हैं। तो बॉयलर प्लेट इस तरह के हम कोड को कहते हैं जो हर दफ़ा मुझे चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी मिठाई की दुकान की वेबसाइट बना रहा हूँ तो भी मुझे इतना कोड एटलीस्ट मुझे चाहिए, इसके ऊपर काम होगा, सही है यार। किसी मैं कपड़े की दुकान की बना रहा हूँ तो भी मुझे इतना चाहिए। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो अच्छा, क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है तो इसके अंदर क्या है, मार्कअप्स हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, एक मार्कअप लगा लेते हैं। हमने क्या करना है, बॉडी के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये बॉडी यहाँ से शुरू है और ये बॉडी यहाँ पे क्या है, ख़त्म है। अच्छा, इस बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, मार्कअप लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला मार्कअप मैं क्या लिखता हूँ इसके अंदर, एच वन, मैंने कहा एच और वन लिखा मैंने और एंटर कर दिया। अच्छा, ये जो मुझे सजेशन दे रहा है ना, ये जो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा था उस वक्त भी मुझे सजेशन आई थी, एच वन लिखा तो भी सजेशन आई है, ये सजेशन मुझे वी एस कोड दे रहा है। अगर ये कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर होता तो शायद वो सजेशन मुझे ना देता या शायद कोई मुख्तलिफ सजेशन देता। अगर आप कोई दूसरा कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं वी एस कोड के अलावा, तो ये सजेशन उसके अंदर इस तरह से हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, ठीक है। अच्छा, मैंने एक मार्कअप लिखा और इस ये मार्कअप देखो, एच वन ओपन और एच वन क्लोज, ये मैंने एक मार्कअप लिखा है, सही है। अच्छा, ये मैंने मार्कअप लिखा है और अब मैं क्या करता हूँ, इस ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड का एक HTML पेज तैयार हो गया है। ये असल में मैंने क्या बनाया है, ये मैंने वही पंफलेट बनाया है जो कागज़ पे बना करता था, अब मैंने ये डिजिटल फॉर्म बनाई है उसकी, ये मैंने HTML पे बनाया है। अच्छा, अब देखते हैं होता क्या है। मैं अच्छा, इसको मैंने रन करना है, रन करके चेक करना है, कैसे करूँगा मैं, ये index.html जो लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं करूँगा कॉपी पाथ, ये रहा कॉपी पाथ करूँगा, और अब मैं जाऊँगा गूगल क्रोम के ब्राउज़र के अंदर। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है कि आप गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल करें, ठीक है, जो दूसरे ब्राउज़र होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह, ये ओपेरा और पता नहीं ये, इनको इस्तेमाल ना करें, ठीक है, क्योंकि गूगल क्रोम जो है वो डेवलपर्स के दरमियान सबसे फेमस है, जितने भी डेवलपर्स हैं वो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया है, इस कॉपी पाथ रिलेटिव वाला नहीं है, सिर्फ जो कॉपी पाथ। तो ये जी हेलो वर्ल्ड बना हुआ आ गया, ठीक है, ये क्या बना हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर से मार्कअप हटा दूं, असल में तो मैंने क्या बोला है, मैंने देखें ये बोला है, मैंने ये बोला है कि जी ये हेलो वर्ल्ड लिखो, और मैंने क्या बोला था कि फिर इसको हेडिंग नंबर वन बना दो, बड़ी हेडिंग तैयार कर दो। अभी मैंने वो मार्कअप हटा दिया, तो मार्कअप हटाने से क्या होगा, ये सिंपल टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये मार्किंग नहीं की है कि ये क्या है, ये एच वन है, इसके ऊपर मैंने कोई मार्कअप नहीं लगाया। अच्छा, मैं मार्कअप लगा देता हूँ जी, इस मैं अपने टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ इस मार्कअप के दरमियान में। तो अब क्या हो गया, एच वन ओपन और एच वन क्लोज के दरमियान में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा इसको हेडिंग के तौर पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मार्कअप हमने ये सीख लिया, मार्कर से हेडिंग लगाते हैं ना सबसे पहली, तो सबसे पहला मार्कअप ये हो गया कि जी किसी भी टेक्स्ट को अगर मुझे बतौर हेडिंग दिखाना है अपने पंफलेट के अंदर, तो मैं उसके शुरू में H1 लगाऊंगा और आखिर में उसके H1 लगाऊंगा, तो उसके दरमियान में जो भी टेक्स्ट होगा उसको बतौर हेडिंग उसके अंदर डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और मार्कअप हम देख लेते हैं, H2, ठीक है, H2 एक दूसरा मार्कअप मैंने ये देखा है। अच्छा, H1 से लेके H6 तक 6 अलग अलग साइज़ की हेडिंग आप इसमें लगा सकते हैं, जो इसके अंदर ये जैसे मैंने कहा था ना कि पंफलेट बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ सकती है वो सब इसमें शामिल की गई है। तो हेडिंग के 1 से लेके 6 तक 6 अलग अलग साइज़ की हेडिंग इसमें मौजूद है,
ठीक है जी, मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखें ये H1 ऐसे दिख रहा है और H2 ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह H6 तक है, जो एक के बाद उससे छोटी हेडिंग, उससे छोटी, उससे छोटी, तो H6 तक मेरे पास 6 अलग अलग हेडिंग मौजूद है। अच्छा जी, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और मार्कअप देख लेते हैं हम। P दैट स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। तो अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को बतौर पैराग्राफ दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, उसको P का जो मार्कअप है उसके अंदर रैप करूँगा। अच्छा, एक P लिख के ना पैराग्राफ में, यहाँ पे कोई थोड़ा सा टेक्स्ट उठा के ले आता हूँ ना, ठीक है जी। ये मैंने पैराग्राफ के पी में इसको रैप कर दिया, तो अब ये वाला जो टेक्स्ट है ये बतौर पैराग्राफ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आके देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये एज अ पैराग्राफ मुझे यहाँ पे नज़र आ गया, ठीक है। अगर स्क्रीन का साइज़ छोटा होता है तो ये साथ साथ क्या करेगा, अपने आप को रैप करता रहेगा, ठीक है, जस्ट लाइक अ पैराग्राफ। अच्छा जी, तो हमने अभी तक कितने मार्कअप्स के देख लिया है, एक देख लिया है, दो देख लिया है और तीन देख लिया है। अच्छा, अब HTML के अंदर जो बची हुई चीज़ है ना, यहाँ पे आपका HTML का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, HTML का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने कहा कि HTML इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ मैनी मार्कअप्स, तो हमने अभी तक कितने मार्कअप पढ़ लिए हैं, एक मार्कअप पढ़ लिया, दो मार्कअप पढ़ लिया और ये तीन मार्कअप पढ़ लिया। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर 100-150 मार्कअप्स और हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो हम देख लेंगे जाके कैसे। अच्छा, तो अब इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, कोई ऐसी बुक, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जहाँ पे तमाम HTML मार्कअप की लिस्ट बनी हुई हो। एक अगर हमें ऐसी जगह मिल जाए इंटरनेट के ऊपर जहाँ पे तमाम मार्कअप की लिस्ट एक बनी हुई हो, तो मेरा HTML तो ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया HTML, है कि नहीं। अच्छा, तो चल के इंटरनेट के ऊपर हम तलाश करते हैं कि क्या ऐसी कोई लिस्ट मौजूद है। मैंने कहा कि जी लिस्ट ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स। अच्छा, जिस चीज़ को मैं मार्कअप्स कह रहा हूँ ना इतनी देर से, HTML की ज़ुबान में इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। HTML की ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, HTML की ज़ुबान में एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, एलिमेंट के बारे में भी ज़रा मैं मज़ीद बता दूँ। देखिए, जैसे ये H1 है ना, इसको मैं तो मार्कअप्स कह रहा था, लेकिन इसको मार्कअप्स नहीं कहते हैं, इसको HTML की ज़ुबान में एलिमेंट्स, वैसे दोनों कहते हैं, दोनों बातें कहते हैं, लेकिन बुक्स वगैरह में आपको जो ज़्यादातर नज़र आएगा वर्ड वो एलिमेंट नज़र आएगा, मार्कअप का वर्ड शायद आपको ना नज़र आए। तो ये पूरा ना यहाँ से लेके, ये देखें, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक ये एलिमेंट है, ठीक है। H1 की ओपनिंग टैग को मिला के और क्लोजिंग टैग को मिला के और उसके दरमियान में जो भी चीज़ है, इन तमाम को पूरे को मिला के क्या है ये, एक एलिमेंट है ये, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, H1 का एलिमेंट है। फिर इसी तरह ये H2 का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा बाइसेक्ट करूँ, थोड़ा हिस्सों में तोड़ूँ अगर मैं, तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, ये टैग्स कहते हैं इसको हम, और ये है क्लोजिंग टैग, ठीक है। और इसके दरमियान में जो है वो इसका कंटेंट है, ठीक है। तो इस एलिमेंट, अच्छा, तो अगर कभी टैग की बात हो रही होगी तो उसका मतलब ये एक की बात हो रही है। टैग हमेशा या तो ओपनिंग टैग होगा या तो क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। अच्छा, और ओपनिंग क्लोजिंग टैग पूरा मिल जाएगा तो इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम जब भी मैंने इंटरनेट के ऊपर जाके क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स लिखा है मैंने, और मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे सामने यहाँ पे W3 स्कूल का एक लिंक आ गया है ना। इसको ओपन करता हूँ मैं, ये क्या हुआ, अच्छा सही है, हाँ हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, नहीं नहीं अच्छा जी, तो मैंने असल में क्या किया, मैंने गूगल पे आके लिखा लिस्ट ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स, यहाँ पे मेरे पास पहला लिंक आ रहा है ये HTML एलिमेंट्स का, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने,
इसके ऊपर क्लिक करने से ये वाला पेज खुला है। इस पेज के खुलने के बाद ना इसके लास्ट में एक लिंक है, इसके लास्ट में एक लिंक है ना, ये मैंने इधर क्लिक किया है HTML टैग रेफरेंस के ऊपर ना, इधर क्लिक करने से क्या हुआ है, एक मेरे पास कंप्लीट एक बड़ा पेज खुलेगा जिसके अंदर तमाम टैग्स जो जो पॉसिबल है ना सबकी एक लिस्ट होगी। अच्छा इंटरनेट शायद हमारा स्लो डाउन हो गया है या पता नहीं ये वेबसाइट ऑफलाइन हो गई है, पता नहीं क्या चक्कर है, ज़रा स्पीड टेस्ट कर लेते हैं लगे हाथों। स्पीड तो सही है इंटरनेट की मेरे पास। ये वेबसाइट शायद ऑफलाइन हो गई है, तो मैं काम करते हैं जो दूसरा URL आ रहा था उस पे जाते हैं, है ना। लिस्ट ऑफ ऑल HTML एलिमेंट्स लिखने के बाद ये सेकंड पे भी तो एक आ रहा है, एक यहाँ मोज़िला का भी एक आ रहा है। अच्छा थर्ड वाला, ये वाला असल में वो वही पेज है, वो वही पेज है जो हमने पहले ओपन किया था ना, W3 School वाला, ठीक है। वेल तो ये मोज़िला डेवलपर वाले पे चले जाते हैं ना, मोज़िला डेवलपर HTML एलिमेंट रेफरेंस, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये फ़ौरन खुल गया। अच्छा आ जाते हैं जी इसके ऊपर अब हम। अच्छा इसके अंदर HTML के अंदर मौजूद तमाम जो मार्कअप्स है ना, अब आप देखें जैसे हमने पढ़ा है ना H1 से लेके H6 तक, H1 और H2 को हमने चला कर देखा, इसने बोला भाई 3, 4 और 5 और 6 भी है, ठीक है। अच्छा अब मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा ना, ये समझ लें डॉक्यूमेंट है पूरा, ये एक बुक की हैसियत है इसकी। तो इसमें मैं आता हूँ, जो भी मार्कअप के बारे में मैं देखना चाहता हूँ कि जी चलेगा कैसे, उस मार्कअप के ऊपर जाके मैं, जैसे ये H1 है ना, H1 के ऊपर मैंने क्लिक किया, H1 पे क्लिक करते ही मुझे ये H1 के बारे में एक तो बता देगा कि जी द H1 टू H6 एलिमेंट रिप्रेजेंट 6 लेवल ऑफ सेक्शन हेडिंग्स, कि 6 अलग अलग हेडिंग को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। द हाइएस्ट इज़ H1 और द लोएस्ट इज़ H6, जो H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, H6 सबसे छोटी है, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट ऑल हेडिंग एलिमेंट्स क्रिएट विद अ ब्लॉक लेवल, और ये पूरी इसने बात लिख दी जो जो इसके बारे में हो सकता था। और यहाँ पर इसने देखें H1 से लेके H6 तक तमाम हेडिंग्स को क्या कर दिया, लिखना बता दिया कि जी यहाँ पे ये सारी हेडिंग इस तरह लिख कर आ गई, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, ओके। अच्छा H1 के अलावा कौन सा था, अच्छा हमारी अब असाइनमेंट क्या होगा हमारा इस क्लास का, इतना जो आपने पढ़ लिया ना, असाइनमेंट ये होगा कि आप इसी तरह HTML का एक पेज बनाएंगे जिसमें आपने देखो CV अपनी बनानी है ना, तो अच्छा CV में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, हेडिंग तो चाहिए, और क्या चाहिए, पैराग्राफ सबसे पहला, इंट्रो का पैराग्राफ है ना, वो पैराग्राफ से हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए होगा, हाँ पिक्चर एक चाहिए होगी, बुलेट पॉइंट्स चाहिए होंगे आपको। अच्छा तो बुलेट पॉइंट इसके अंदर कैसे लगेंगे वो देख लेते हैं, उसको हम कहते हैं लिस्ट। अच्छा तो मैंने कंट्रोल F किया और यहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट नाम से जो है ना वो किधर आ रहा है। एक UL और LI करके आ रहा होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट एन आइटम इन अ लिस्ट LI है ना। अच्छा इसको चलाते कैसे हैं, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, क्लिक करके अंदर चलते हैं, ये आ गया। इस तरह का कोड लिखने से स्क्रीन पर इस तरह की चीज़ बनकर आएगी, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है इन्होंने, अच्छा H1 तो सिंगल सिंगल टैग था ना, इसमें ज़रा डबल है, एक UL है, दैट इज स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि इसमें 1, 2 नहीं लिखा हुआ है बल्कि बुलेट पॉइंट बने हुएंगे, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से ओपन है और यहाँ पर क्लोज है, और उसके दरमियान में लिस्ट आइटम नंबर 1, लिस्ट आइटम नंबर 2, लिस्ट आइटम नंबर 3, लिस्ट आइटम नंबर 4 और लिस्ट आइटम नंबर 5। अच्छा अगर मैं यही काम यहाँ पे से उठाकर, मतलब इसी तरह का कोड अगर मैं अपने फाइल के अंदर लिख लूँ इस पैराग्राफ के बाद, है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी माई रिज्यूमे, ठीक है, H1 में माई रिज्यूमे लिख दिया, फिर मैंने कहा कि जी H2 में लिख दो कि भाई ऑब्जेक्टिव, ऐसे लिखते हैं ना CV के अंदर, आई एम नॉट श्योर कि अब ऑब्जेक्टिव ही क्यों लिखते हैं, हर बंदे का ऑब्जेक्टिव एक जैसा क्यों होता है CV में, क्योंकि वो दुकान वाले से बनवाते हैं जाके, और दुकान वाले का जो ऑब्जेक्टिव है वो ही आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अच्छा तो मैंने कहा भाई माई रिज्यूमे लिख दिया, उसके बाद मैंने H2 डाला कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये। अच्छा उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद क्या लिख देता हूँ मैं कि जी मेरी एजुकेशन क्या है,
सही है, एजुकेशन में भी या बायो डेटा में भी इस तरह है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना सीवी में, इस तरह करके लिख रहे होते हैं, ठीक है। और बायो डेटा की हेडिंग के बाद ना मैं फ़ौरन क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं वापस आऊँगा, जो पहले से ही खुला हुआ पेज था उसको आके जस्ट मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर नया डेटा आ जाएगा। देखो सीवी की सूरत बनना शुरू हो गई है, एक सीवी जैसा लगने लग गया ये। अच्छा, तो अब आप अपनी सीवी में ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस लिखते हैं, अपनी एजुकेशन लिखते हैं, अपना बायोडाटा लिखते हैं, ठीक है। जैसे बायोडाटा के अंदर आप इस तरह तो नहीं लिखते ना, आप लिखते हैं नेम और इक्वल्स टू ऐसे सामने अपना नाम लिख देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी इसी तरह कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी नेम और कॉलन लगा के मैं कहता हूँ कि जी मलिक, और मैंने कहा कि जी एड्रेस कराची, सही है। और क्या लिख देते हैं जी, कॉन्टैक्ट नंबर में भी, ठीक है। और मैंने कहा कि 03001234567 8, ठीक है जी। ये तो कुछ इस तरह से ये बनना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपने बायोडाटा पूरा लिख दिया। अच्छा, और क्या चीज़ चाहिए होती है, पिक्चर चाहिए होती है। आ जाओ जी, पिक्चर के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है देख लेते हैं। इमेज लिखा मैंने, तो ये मेरे पास आ गया इमेज एंड मल्टी। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात ये है इस डॉक्यूमेंट की कि इन्होंने ना डिवाइड किया हुआ है ना अपने इसको, कि जी मेन एलिमेंट्स पहले इन्होंने डिस्कस किए हैं, फिर डॉक्यूमेंट एंड मेटा डाटा लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। फिर इसने लिखा है कि जी कंटेंट सेक्शनिंग, इस तरह करके अलग अलग डिसाइड किया हुआ है। टेक्स्ट कॉन्टेंट, कि जी टेक्स्ट लिखना है तो क्या करेंगे। अब टेक्स्ट लिखने के लिए आपको देखें एक ब्लॉक कोट करके एक नाम है, एक डिव करके नाम है, ठीक है, फिगर कैप्शन करके नाम है, एचआर। अब इनमें से किसी के अंदर जाएंगे आप, जैसे लिस्ट है वो भी है एक्चुअल में टेक्स्ट होता है ना, लिस्ट भी एक तरह का टेक्स्ट होता है। अच्छा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आगे जाके मल्टीमीडिया और इमेजेस का जिक्र किया हुआ है इन्होंने, ये रहा इमेजेस एंड मल्टीमीडिया। अब इसके अंदर ना देखें ऑडियो लगाने का ऑप्शन है, इमेज लगाने का ऑप्शन है, ठीक है, वीडियो लगाने का ऑप्शन है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले इमेज के अंदर इस पर क्लिक करता हूँ मैं इमेज पर, ताकि मैं इसके अंदर जाऊँ और मुझे ये पता लग जाए कि इमेज को इस तरह से लगाते हैं। इमेज को कैसे लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं अपने कोड में आता हूँ। सबसे टॉप पे मुझे इमेज लगानी है, ठीक है। तो इमेज के अंदर मुझे क्या देना होता है, एक SRC देना होता है कि जी इमेज ये है कहाँ पर, इमेज ये है कहाँ पर, वो बताना होता है। और दूसरा मुझे बताना होता है अल्टरनेट टेक्स्ट ALT करके, कि अगर कभी इमेज लोड ना हो सके तो इस वक्त ये लिखा हुआ आ जाता है फिर स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने तो इमेज अपनी लगा दी थी, हम कौन सी लगाएंगे इमेज, हम तो अपनी इमेज लगाएंगे, ठीक है। तो जी आ जाते हैं, मैं इंटरनेट से कोई इमेज उठा लेता हूँ, और इंटरनेट से मैं कोई इमेज उठा के क्या करता हूँ, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेता हूँ। मैंने कहा कि जी ओपन इमेज इन न्यू टैब, और मैंने उसको सेव किया, सेव करके ये डाउनलोड के अंदर जाके सेव हो गई है मेरी पिक्चर, ठीक है ना। ये समझ आया ना सबको कैसे किया मैंने। अब वापस आता हूँ मैं, और मेरे पास जो ये डाउनलोड में पड़ी हुई थी ना इमेज, ये देखो डाउनलोड में पड़ी हुई है, इसको यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा, और ड्रैग करके जो भी पिक्चर मैं अपने वेबसाइट पर लगा रहा हूँ उसके लिए ज़रूरी है कि वो पिक्चर कहाँ हो, मेरी रिपोजिटरी के फोल्डर के अंदर हो वो, यानी मेरी वेबसाइट जहाँ पर है वो उसी जगह पर हो, ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना हो सकता है। अच्छा, आम तौर पे हम क्या करते हैं, इसमें IMG का एक फ़ोल्डर बना देते हैं और तमाम इमेजेस को उस फोल्डर के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। IMG के फ़ोल्डर को बना के उसके अंदर रख दिया मैंने ये। अच्छा, ये हो गया। अब मेरी फ़ोटो कहाँ पर आ चुकी है, मेरी पिक्चर कहाँ पर आ चुकी है, मेरी रिपोजिटरी के ही अंदर आ चुकी है। मैं SRC में जाता हूँ, मैं कहता हूँ ./, नीचे सजेशन खुद से आ गई। ये सजेशन किसने दी है मुझे, ये VS Code ने दी है। अच्छा, मैंने कहा जी IMG हो गया /download.jpg, download.jpg हो गया। तो मैंने इसको क्या बता दिया, IMG का टैग लगाया और सोर्स बता दिया, ठीक है जी, ये सोर्स हो गया। ये मेरी इमेज क्या हो गई, यहाँ पे तैयार हो गई। अब इस इमेज को मैं जब ओपन करूँगा कहाँ पर, ब्राउज़र में, तो ये मुझे कैसी दिख जानी चाहिए, ये मुझे इस तरह की दिख जाती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरी इमेज का साइज़ इतना ही था तो इसलिए इतनी ही नज़र आ रही है। अगर आपकी इमेज का साइज़ बड़ा होगा तो ये बड़ी नज़र आएगी। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके इसकी विड्थ लगा, जैसे मिसाल के तौर तो मुझे और छोटी करनी है, तो मैंने कहा 100 पिक्सल,
इसकी विड्थ को मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी और छोटी हो गई। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा आपको कि विड्थ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? इसी के अंदर, यहाँ पे जो इन्होंने बताया ना, यहाँ पे हर चीज़ बताई है, यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं इन्होंने बताया होगा कि विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी हम, ठीक है। आ जाओ नीचे, है ना, एट्रीब्यूट्स के अंदर यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा, ए एल टी लगा हुआ है उसमें, ए एल टी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, ए एल टी के अलावा क्या लगा हुआ है जी? क्रॉस ऑरिजिन एक है, वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने बताया होगा कि विड्थ भी लगा सकते हैं। ये रहा, विड्थ भी लगा सकते हैं, ठीक है। और भी जो कुछ लग सकता है ना इसमें, वो सारा यहाँ पे आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, आपने कभी भी इमेज लगानी होगी तो आप इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे और उसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, उसका साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है, उसको थोड़ी देर में लोड करना है, ठीक है, कैसे करके करना है, क्या करना है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर लग सकते हैं। यहाँ तक सब लोगों को समझ आया है कैसे हो रहा है ये? अभी तक हमने कितने मार्कअप पढ़ लिए हैं ज़रा देख लेते हैं, अभी तक हमने कितने मार्कअप पढ़ लिए देख लेते हैं। एक हेडिंग वाला मार्कअप देख लिया H1, एक इमेज वाला मार्कअप देख लिया, एक H2 वाला मार्कअप हो गया, तीन मार्कअप हो गए, ये चौथा मार्कअप ये पैराग्राफ वाला पढ़ लिया, ठीक है, फिर पांचवा मार्कअप हमने लिस्ट वाला पढ़ लिया। तो पांच मार्कअप हमने इस क्लास में पढ़ लिए हैं। अच्छा, CV बनाने के लिए और किसी मार्कअप की ज़रूरत तो नहीं होती है? हॉबीज तो पैराग्राफ होगा, है ना, टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज और टेबल का मार्कअप तलाश करते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल बैक किया, मैंने कंट्रोल एफ किया और मैंने कहा टेबल, टेक्स्ट के अंदर ही होना चाहिए वैसे टेबल को। ये रहा टेबल कंटेंट, इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, टेबल के नाम से एक मार्कअप मौजूद है। क्लिक करता हूँ मैं, इसके अंदर जाता हूँ तो इन्होंने कहा कि जी आप क्या करोगे, आप इस तरह का कोड लिखोगे तो इस तरह की टेबल बन के आ जाएगी सामने, ठीक है। तो आज हम करते हैं, इस तरह का कोड लिख लेते हैं, ये टेबल, पूरे टेबल को कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है, आता हूँ जी इधर मैं और ऐसे मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टेबल यहाँ से ओपन है, टेबल यहाँ ख़त्म है। अच्छा, ये है टी हेड, यानी टेबल पर जो हेडिंग डली हुई है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टी बॉडी, यानी टेबल की जो बॉडी है। अच्छा, ये बात सारी लिखी हुई है वहाँ पे, जो मैं बता रहा हूँ ना ये सारी लिखी हुई है, तो ये टेबल की बॉडी है, ठीक है। हेडिंग जो होती है वो क्या होती है, वो पहली वाली जो ऊपर लाइन आ रही है उसको हेडिंग कहते हैं, नीचे जो भी एक्चुअल कॉन्टेंट है उसको हम टेबल की बॉडी कहते हैं। अच्छा, फिर हेडिंग के अंदर एक रो है, रो ऐसे वाले को कहते हैं यूँ, जो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जो लकीर होती है उसको हम रो कहते हैं। तो हेडिंग के अंदर एक रो है, दो भी बना सकता था मैं, तीन भी बना सकता था, एक रो रखा मैंने। अच्छा, तो मैंने मिसाल के तौर पे टेबल में क्या दिखाना है CV में अपने, एजुकेशन दिखानी है ना। अच्छा, तो एजुकेशन में जो मेरी हेडिंग होगी उसमें क्या होगा, एक रो होगी हेडिंग के अंदर, सबसे पहली में क्या लिखूंगा मैं, नेम ऑफ डिग्री। अच्छा, तो मैं लिख लेता हूँ कि जी यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री, इसको यहाँ खोल भी लेते हैं ना, ठीक है, नेम ऑफ डिग्री मैंने लिख दी सबसे पहली। उसके बाद क्या लिखना है मुझे, नेम ऑफ डिग्री के बाद क्या होता है उसका, एयर होता है, ग्रेड और एयर, इंस्टीट्यूट भी होता है, ठीक है जी। ये चार बातें मैंने हेडिंग के अंदर लिख दी हैं, ये चार बातें मैंने क्या कर दी हैं, नंबर वन हेडिंग, नंबर टू हेडिंग, नंबर थ्री हेडिंग और नंबर फोर हेडिंग, ये मैंने चार बातें लिख दी हैं। अच्छा, इनके पास जो है ना, ज़रा वो आ रहा है एक यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ आ रहा है, हमारे पास बॉर्डर बना हुआ नहीं आ रहा है। तो इस टेबल पर बॉर्डर कैसे लगता है वो इन्होंने नीचे बताया हुआ है,
सही है, वो भी इन्होंने क्या किया हुआ है नीचे बताया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखें आप, इन्होंने बॉर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर में इसने क्या लिखा कि दिस इंटीजर एट्रीब्यूट डिफाइन इन पिक्सल द साइज ऑफ फ्रेम सराउंडिंग द टेबल, ठीक है। ज़ीरो का मतलब है कि कोई बॉर्डर नहीं होगा, और मैं पिक्स जो भी नंबर दूंगा बॉर्डर करके, उसका मतलब क्या होगा कि उतने पिक्सल का बॉर्डर बना हुआ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल का बॉर्डर, क्या ख्याल है। मैं टेबल पे आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बॉर्डर 1 पिक्सल, तो क्या हो जाना चाहिए मेरे टेबल के फिर सराउंडिंग में बॉर्डर्स आ जाने चाहिए, ये बॉर्डर्स आ गए बन के, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं जी, नीचे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे जो भी लिखते जाएंगे वो आता जाएगा, आ जाओ कोड में। तो ये मेरी टेबल की हेडिंग यहाँ तक क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। मैं और भी कुछ हेडिंग में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। और टेबल बॉडी के अंदर पहला रो, ये जो टी आर है इसका मतलब है टेबल रो, ये पहले रो के अंदर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले नंबर पर नेम ऑफ डिग्री मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि जी एस एस सी, यस। अच्छा, उसके बाद है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक है, ए बी सी इंस्टीट्यूट, ठीक है। और जी उसके बाद मेरे पास क्या है, ग्रेड है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा ग्रेड ए, ठीक है। और जी क्या है हमारे पास, एयर 2020। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये टेबल में पहली रो बनकर आ गई, पहली रो बनकर आ गई ये टेबल में। वापस जाता हूँ मैं, अच्छा एक ये पहली रो है, मैंने कहा एक दूसरी रो बना दो, एक तीसरी रो बना दो, तो अब क्या हो जाएगा, अब तीन रो बनी हुई आ जाएगी। लेकिन तीनों रो में अभी बात क्या हुई है, एक ही लिखी हुई है। मैं क्या लिख दूंगा, ये मेरी पहली रो है ना, ये टेबल बॉडी के अंदर ही मेरी पहली रो है, ये मेरी दूसरी रो है और ये मेरी तीसरी रो है। मैंने कहा अच्छा जी, पहले वाले में तो एस एस सी है, लेकिन दूसरे वाले में क्या लिख देता हूँ मैं, एफ एस सी एच एस सी, ठीक है। ए बी सी इंस्टीट्यूट से ही किया है, इसमें ग्रेड भी, इसमें भी ए है, और ये किया है मिसाल के तौर पर 2022 में, है ना, हो गया। अच्छा, इसी तरह लास्ट में अब और क्या लिख दूँ, बी एस सी, ये भी ए बी सी इंस्टीट्यूट नहीं, चलो किसी दूसरी जगह से करवाते हैं, ये एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट से किया है ये, ठीक है। और इसमें ग्रेड जो है वो क्या है, बी है, और ये किया है 2023 में। तुम क्या चाह रहे हो, कितने साल में करे वो, कम से कम 2 साल में करे ना, चलो 2 साल में करे, ये लो 2 साल में करेगा जी, ठीक है जी। अच्छा, ये पूरी टेबल के साथ मुझे एक हेडिंग भी तो चाहिए ना, एजुकेशन, यस सर, हेडिंग भी लगाते हैं। इस टेबल से फौरन पहले मैं H2 करके एक हेडिंग लगा देता हूँ, एजुकेशन। हाँ भाई, सीवी बनना शुरू हो गई है। तो ये हमने क्या कर लिया, HTML के अंदर अपनी पहली सीवी को तैयार कर लिया। अब इसमें आप जो जो सोच सकते हैं, देखो मैंने 4, 5, 6 मार्कअप तो मैंने पढ़ा दिए जो मेन मार्कअप हैं। अच्छा, लेकिन आपको कोई और चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ती है, उसका मार्कअप आप क्या करेंगे, गूगल करेंगे कि यार ये काम करने के लिए कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है, गूगल आपको बता देगा। तो आप इस लिस्ट में जाएंगे और वो मार्कअप तलाश करेंगे आप इस लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट का जो URL है वो आप में से कोई ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है, व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो आप गूगल करेंगे कि यार मिसाल के तौर पे ईमेल लगाने के लिए कौन सा मार्कअप इस्तेमाल होता है, आपको गूगल बता देगा। या ChatGPT से पूछेंगे कि यार मैंने ईमेल लगानी है HTML में तो कौन सा मार्कअप लिखूँ मैं, तो ChatGPT आपको बता देगा कि यार ये मार्कअप लिखेंगे आप। अच्छा, फिर वो मार्कअप यहाँ पे आएंगे आप, और यहाँ पे आके आप देख लेंगे कि अच्छा जी ये मार्कअप है, कैसे लगाते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या समझ लिया कि जी HTML आखिर होता क्या है, HTML का एक हेलो वर्ल्ड बना लिया, और आपको मैंने क्या बता दिया, HTML के अंदर जितने भी पॉसिबल मार्कअप हैं उन सब की एक लिस्ट बता दी, ठीक है। 2-4 मार्कअप मैंने आपको पढ़ा दिए, बाकी के मार्कअप आपको पता लग गया कि यार जी इस तरह होता है ये। अब आपको इनमें से कोई भी चीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो HTML का कॉन्सेप्ट है वो पूरा ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। HTML का जो कॉन्सेप्ट था पूरा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपने क्या करना है, इसी तरह की एक CV आपने बनानी है, ज़रा और अच्छे अंदाज में, ठीक है, ज़रा और अच्छे अंदाज में इससे आपने CV बनानी है। और आपका ये जो इसी तरह index.html का पेज है,
ये आपने किधर करना है, github.com में पुश करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने ये वाली जो फाइल है ये किस में बनाई है, ये उसी रिपोजिटरी में बनाई है जो लास्ट टाइम बनाई गई थी इसी क्लास में, उसी में। तो ये मैं फाइल क्या करूँगा, अब इसको पुश कर दूंगा github.com में पुश करूँगा। अच्छा, क्या कमांड है github.com में पुश करने के लिए? अच्छा, अब मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए, मुझे टर्मिनल पे जाना है ना। अच्छा, VS कोड के अंदर एक और भी फैसिलिटी है कि आप VS कोड के अंदर खड़े होके ना, आप जाएंगे यहाँ ये ऊपर टर्मिनल पे, और यहाँ पे आके ना न्यू टर्मिनल आप करेंगे तो ये टर्मिनल यहीं खोल देता है, ठीक है। टू पिक्सल करेंगे तो ये दो पिक्सल का बॉर्डर हो जाएगा। आ जाओ, अभी ये 1 पिक्सल का है ना, अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये 2 पिक्सल का हो गया, थोड़ा मोटा हो गया है ना। इसको अगर मैं करूँगा भाई 5 पिक्सल का तो ये जो है वो 5 पिक्सल का हो गया। ये देखो शॉर्टकट क्या मतलब, ये मैंने डुप्लीकेट किया जो इसको ऐसे यूं करके, ये कॉपी पेस्ट किया मैंने असल में। नहीं, ये तो पूरा कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया ना, लिखा हुआ टेबल था उसको कॉपी किया और उसमें अपनी रो मज़ीद बना दी है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, वीएस कोड के अंदर ही ओपन कर लिया। अच्छा, वीएस कोड में टर्मिनल ओपन करने से क्या होता है कि अगर आपने अपनी रिपोजिटरी को सही तरह से वीएस कोड में ओपन किया था ना, तो आप टर्मिनल ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर खुलेगा ये। अच्छा, टर्मिनल को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस बैकटिक, सही है। बैकटिक आपके कीबोर्ड के अंदर किधर होता है दिखा देता हूँ मैं आपको, बैकटिक आपके कीबोर्ड के अंदर जो है होता है अलिफ मद्दा वाला जो बटन है उसके ऊपर होता है, सही है। ये वाला जो बटन है ना, अगर तो आप इसको शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये अलिफ मद्दा प्रिंट होता है ना, हाइफन, और अगर इसको बगैर शिफ्ट के दबाते हैं आप तो बैकटिक प्रिंट होगा, ठीक है। बैकटिक और सिंगल कोट देखने में थोड़ा सा सिमिलर होता है, लेकिन बैकटिक अलग चीज़ है और सिंगल कोट अलग चीज़ है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बैकटिक, यानी कंट्रोल पकड़ेंगे और उसके साथ बैकटिक दबाएंगे आप एक दफ़ा, तो उससे क्या होगा, ये टर्मिनल ऐसा ओपन हो जाएगा, और कंट्रोल बैकटिक दोबारा दबाने से ये वापस हाइड भी हो जाएगा, ठीक है, क्लोज नहीं होगा, हाइड होगा ये। यहाँ पे आके मैंने इसको गिट में पुश करने की तीनों कमांड चलानी है, क्या है कमांड, गिट एट डॉट, ठीक है, और गिट कमिट माइनस एम माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, और गिट पुश, ठीक है जी, ये पुश हो गया। अब मैं जाकर अपने यहाँ पर देखूँगा कहाँ है मेरी वो गिट की रिपॉजिटरी, github.com/inzamammalik रिपॉजिटरी में जाता हूँ मैं, और रिपॉजिटरी में जाने के बाद ये सेक्शन ए को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो क्या आ चुका है, यहाँ पे index.html की फाइल यहाँ पर पहुँच चुकी है। index.html को मैं ओपन करता हूँ तो ये सारा का सारा कोड जो मैंने अभी लिखा है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये अगला जो असाइनमेंट है ना आपका, वो आप क्या करेंगे, आप मुझे एक ऐसी रिपॉजिटरी का लिंक दिखाएंगे, ये बना हुआ इस तरह है ना, जब अगली क्लास में आप आएंगे, ठीक है, तो आते ही आप अपनी सीट पे जब बैठेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, ये HTML की फ़ाइल ऐसे आपके GitHub के अंदर होनी चाहिए, और उस HTML की फ़ाइल को आप ऐसे खोलेंगे यूँ, और ऐसे खोल के ना इस तरह से आप अपने पास लेकर बैठेंगे उसको अपने पास, ठीक है। इस तरह से आपने इस HTML की फ़ाइल को खोल के अपने पास बैठना है, ठीक है। इसका नाम index.html ही होना चाहिए, इसका नाम इंडेक्स के अलावा कोई और नाम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा ही, स्मॉल लेटर का आई, स्मॉल लेटर का एन, स्मॉल लेटर का डी, स्मॉल लेटर का ई, स्मॉल लेटर का एक्स, ठीक है, उसके बाद डॉट और उसके बाद html। अभी एक से ज़्यादा फाइल नहीं बनानी है, अभी सिर्फ आपने एक फ़ाइल का असाइनमेंट है, तो एक फ़ाइल के अंदर आपने सिर्फ इस तरह का नाम रखना है। एक से ज़्यादा फाइल आप बनाएंगे तो वो आपके ऊपर है, अभी वो मैंने फ़िलहाल पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। उसका नाम ये नहीं होगा, एक नाम से एक फाइल होती है, उसका नाम आप कुछ और रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो HTML का जो कॉन्सेप्ट था ना, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमारी चैट बॉट की क्लास है, तो इसमें हम HTML को मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ सकते, हमारे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है, क्योंकि चैट बॉट की अपने इतनी सारी चीज़ें हैं, तो HTML का इसलिए आपको जस्ट ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है। अगर आपने मज़ीद HTML को आगे पढ़ाई करनी है, आपने अगर मज़ीद HTML को पढ़ना चाहते हैं आप, सॉरी, HTML के अंदर
हाँ तो वेबसाइट बनती है एचटीएमएल से, वेब डेवलपमेंट में तो सारा पढ़ते ही आप एचटीएमएल हैं, ठीक है जी। तो हम एचटीएमएल इतना ही पढ़ेंगे जितना आज हमने पढ़ लिया, लेकिन ये वेबसाइट मैं आपकी चेक करूँगा नेक्स्ट क्लास में। हफ्ते वाले दिन अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे तकरीबन 5-6 दिन बाद, तो नेक्स्ट वीक। तो प्लीज़ ये मेक श्योर करें कि सब लोग ये असाइनमेंट बना कर आएँ ज़रूर। अच्छा, अगर आप ये असाइनमेंट नहीं बना कर लाते हैं नेक्स्ट वीक तो क्या होगा, तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा आपको, और ये असाइनमेंट आप इसी क्लास के अंदर बैठ के बनाएंगे, ठीक है। किसी का कोई सवाल तो नहीं है जो अभी जो जितना भी तक हमने बना दिया उसके अंदर? हाँ, इसको तो हम डायरेक्ट पाथ भी दे सकते थे अपने सिस्टम से, ये हमने इसमें क्यों लाकर इंसर्ट? इसमें इसलिए लाकर किया है कि ये पिक्चर साथ साथ यहाँ पुश हो गई है ना, अभी आप देखें ना ये पिक्चर साथ साथ यहाँ पुश हो गई है इधर। अब अगर मेरे डी ड्राइव में पड़ी होती पिक्चर तो वो इधर ना, वो इधर नहीं आती। अच्छा, अब मिसाल ये तो क्योंकि कोलैबोरेशन का टूल है ना, अब मैंने तो इधर पुश किया है, अभी तो मैं अकेला हूँ इस वेबसाइट पे। मैं क्या करूँगा, कल को इस वेबसाइट मेरे साथ एक और टीम मेट होगा जो मेरे साथ इसी वेबसाइट पे काम कर रहा होगा, वो जब इसको क्लोन करेगा ना तो उसके पास एचटीएमएल तो आ जाएगा, पिक्चर नहीं आएगी। अब वो पिक्चर जब वो ब्रेक ब्रोकन शो हो रही होगी ना, इस वजह से किया हमने जी। सॉरी, दोबारा सवाल पूछो। नहीं तो कोडिंग ही तो पुश करनी थी ना, यहाँ पर कोडिंग ही पुश करनी थी, यहाँ पर कोडिंग ही लोग डालते हैं अपनी। अब आपके लिए ज़रा सा अटपटा लग रहा होगा कि यार कोडिंग क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपको फेसबुक की आदत है ना, उसमें तो डायरेक्ट पिक्चर डालते हैं, डिस्प्ले होती है। ये ज़रा प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ है, ये ख़ास डिवेलपर्स के लिए बनाया गया है, और इसके अंदर आपको कोडिंग ही पुश करनी होती है। ये टेबल का पूरा कोड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इस कोड को एज इट इज़ अपने पास लिखेंगे तो इसी तरह की टेबल आपके बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। टेबल के अंदर क्या मौजूद है, टेबल का टैग यहाँ से ओपन हुआ है और टेबल का टैग यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस टेबल के टैग के अंदर टी हेड है यानी कि टेबल की हेडिंग, और टी बॉडी है यानी टेबल की बॉडी। टी हेड के अंदर क्या है, एक टी आर है यानी बॉडी के अंदर पहली रो, या हेडिंग के अंदर पहली रो, क्योंकि हेडिंग दो रो की भी हो सकती है ना, हेडिंग जो है वो दो रो की भी हो सकती थी ना, कि दो रो की हेडिंग डाल देते, लेकिन एक रो की हेडिंग डाली हुई है, समझ आ गया ना। अच्छा, इसी तरीके से बॉडी के अंदर भी आप देखें, ये टी बॉडी में पहली रो है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी रो है, और उसके बाद यहाँ पे तीसरी रो है, ठीक हो गया। अच्छा, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सॉरी, रो में आ रहा है क्या मतलब? नेम ऑफ डिग्री उसके आगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट है, हाँ, उसके आगे ग्रेड है, उसके आगे अगर इसको हम कॉलम में लाना चाहे और उसके आगे फिर वो सी वगैरह मार्क्स वगैरह। असल में टेबल के अंदर ना कॉलम नहीं होता, टेबल के अंदर सिर्फ रो होती है, कॉलम नहीं होता है ना। अच्छा, जैसे अब आप कह रहे हो ना कि मैंने SSC लिखा और ABC इंस्टीट्यूट लिखा और ऐसे लिखा और ऐसे, आप कह रहे हो नहीं मुझे ऐसे लिखना है, यूँ नीचे की तरफ है ना, तो आप यहाँ लिखोगे ABC इंस्टीट्यूट, यहाँ लिखोगे SSC, यहाँ लिखोगे ABC इंस्टीट्यूट, यहाँ लिखोगे ग्रेड ए, इस तरह कह रहे हो ना आप, ठीक है। तो आप बनाओगे उसको रो में ही, लेकिन आप लिखोगे इस तरह कि वो देखने वाले को लगेगा ये कॉलम में लिखा हुआ है, बनेगा ये रो में ही, रो के अलावा और कोई तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पे आप क्या करोगे, पहले रो के अंदर SSC लिखोगे यहाँ, दूसरे रो के अंदर ABC इंस्टीट्यूट लिखोगे आप, तीसरे रो के अंदर आप ग्रेड ए लिखोगे, तो देखने वाले को लगेगा ये कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन असल में वो रो में ही लिखा हुआ होगा। कोडिंग के अंदर सिर्फ रो है, कॉलम नहीं बना सकते आप। सर, फाइल का नाम index.html, हाँ, फाइल का नाम index.html ही होना चाहिए। ये रिपोजिटरी जो है मेरी, ये पब्लिक है, ये रिपोजिटरी जो है ये पब्लिक है, इसका नाम देख लें आप, इस रिपोजिटरी के अंदर आके आप इसका नाम देख सकते हैं अगर आप भूल जाएं तो, ठीक है। अच्छा, इसका कोई और नाम अगर होगा तो ये मेल फंक्शन करेगा। वेबसाइट के अंदर जो पहली फाइल होती है उसका नाम index.html होना ज़रूरी है। जब इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको मैं ये करके भी दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे मेल फंक्शन करता है। सही है, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है जी? फाइल का नाम index.html, दूसरी फाइल का नाम क्या है?
दूसरी फाइल का नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। पहली फाइल हमेशा इंडेक्स होगी। जी दोस्त, अच्छा आज की क्लास के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया है, एक छोटा सा HTML का पेज बनाना सिखाया है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे CSS, एक क्लास के अंदर हम इसी तरह से पूरी CSS का एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन वो CSS पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इस जो वेबसाइट आपने बना ली हुई है ना, इसको इंटरनेट पे लाइव करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है, अगली क्लास में। तो इंटरनेट पे लाइव करना मैं आपको पहले सिखाऊंगा, उससे होगा क्या कि ये वेबसाइट जो है ना, इसका एक एड्रेस बनकर आ जाएगा और वो एड्रेस पब्लिक होगा, पूरी दुनिया में कोई भी उसको लिखेगा उस एड्रेस को, तो आपका CV खुल के सामने आएगा, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर लाइव करना मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में, और साथ में CSS पढ़ाऊंगा फिर। अच्छा CSS क्या होता है, इस वेबसाइट के अंदर जो कलर्स ऐड होंगे, जो स्टाइलिंग ऐड होगी, वो CSS के ज़रिए स्टाइल ऐड होता है, ठीक है ना। तो अभी ये CV जो आपकी बन रही है ना, ब्लैक एंड वाइट बन रही है, इसके अंदर कलर जो फिल होंगे ना, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में होंगे CSS जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर हम पूरी CSS को इसी तरह से कवर करेंगे जैसे आज HTML को किया है। अच्छा लेकिन वो उसी सूरत में पढ़ेंगे जब ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तमाम के तमाम स्टूडेंट जब ये असाइनमेंट बना कर लाएंगे, जब ही पढ़ेंगे हम, अदरवाइज फिर हम असाइनमेंट बना रहे होंगे अदरवाइज, ठीक है ना। अच्छा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया है, यानी कि एक CV बना ली है, उसका नाम index.html ही है और उसको github.com पे पुश भी कर दिया है, ये सारा काम कर लिया है आपने। अच्छा अब जो मैं आगे बात बताने जा रहा हूँ ना, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने ये पहले से बना लिया है, जिन्होंने ये पहले से बना लिया है। अच्छा आ जाएं, अब अपना अपना github.com खोल लें आप सब लोग, जो आपने वो असाइनमेंट जहाँ पे बनाकर पुश किया हुआ है ना, वो आप जगह खोल लें। होस्ट कहाँ पर किया, गिटहब पे ही किया। अच्छा गुड यार, कहाँ से देख के किया? अच्छा मेरी वीडियोस देखी आपने पुरानी क्लास की। अच्छा अच्छा गुड यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा तो बाकी जो लोग हैं वो ज़रा अपने ना github.com की ये वाली रिपोजिटरी को ओपन कर लें, यानी कि इस जगह पर आ जाएं। यार ये क्या आता रहता है सामने पीला सा। अच्छा इस जगह पर आप आ जाएंगे। इस जगह पर आने के बाद जो आपकी जो रिपोजिटरी है, जो रिपोजिटरी का नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे ना यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, इस सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आप चले जाएंगे। ये काम सिर्फ वो करें जिन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना असाइनमेंट ना। अच्छा उसके बाद आप आएंगे ये साइड में जो मेन्यू आ रहा है ना, इसमें पेजेस लिखा हुआ है, जो इस पेजेस के अंदर आप आएंगे, ठीक है। आ गए सब लोग पेजेस में? नेट काम ज़रा स्लो कर रहा है। अच्छा तो इसको देख लें फिर आप आराम से कर लीजिएगा। अच्छा पेजेस में आने के बाद यहाँ पे ना एक लिखी हुई है ब्रांच, ठीक है। ब्रांच में इस वक्त नन सेलेक्ट हुआ हुआ है, इस नन को मैं क्लिक करूँगा और चेंज करके यहाँ पे एक मेन आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लूँगा मैं, और सेव का बटन दबा दूँगा, ठीक है। सेव का बटन दबा दूंगा मैं। अच्छा सेव का बटन दबाने के बाद मैं 5 मिनट इंतज़ार करूंगा, और 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद इस जगह पे यहाँ पे एक मुझे URL ये बना कर दे देगा, ठीक है। थोड़ा रिफ्रेश करूंगा तो फिर आएगा, मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ, ये 5 मिनट लगता है, ये URL आ जाता है यहाँ पर ना, इसको रिफ्रेश करते रहते हैं और देखते हैं ये कितनी देर में आता है। ठीक है जी, ये मेरा URL बन के तैयार हो गया, ठीक है, खुद ही अपेयर हो गया ये। अच्छा अब आप ये बटन दबाएंगे, विजिट वेबसाइट का बटन दबाएंगे आप, ठीक है। विजिट वेबसाइट का बटन जैसे ही मैंने दबाया तो ये मेरा रिज्यूमे खुल के सामने आ गया। अच्छा लेकिन अब की बार इसके अंदर क्या है, ये जो URL है इसका, ये एक पब्लिक URL है, ये URL क्या है, ये एक पब्लिक URL है। अच्छा इसको मैंने क्लिक किया, ये ओपन तो हो गया,
ये URL पूरी दुनिया में कोई भी ओपन करेगा ना जिसके पास इंटरनेट मौजूद है, तो मेरी ये वाली CV वाली वेबसाइट ओपन होगी। अच्छा, इस URL पे आपने राइट क्लिक करना है और इसको कॉपी करना है। इस URL पे आपने राइट क्लिक किया, इसको कॉपी किया, और कॉपी करके आप कहाँ जाएंगे? वापस अपनी रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे, आप इस जगह पर आ जाएंगे वापस, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर आने के बाद इस URL को आपने यहाँ पे सेव करना है। कहाँ सेव करना है ये देखें जी, यहाँ पे ना एक तो सेटिंग, ये ऊपर वाली सेटिंग थी, एक सेटिंग और है यहाँ पे छोटी सी अबाउट की सेटिंग है। इस अबाउट की सेटिंग पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर लिखा हुआ है ना वेबसाइट, यहाँ पे आप वो URL पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप वो URL पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस का बटन दबा देंगे। सेव चेंजेस का बटन दबा दिया, अब होगा क्या है कि जब भी कोई आपकी रिपोजिटरी को ओपन करेगा तो उसको कोड दिख रहा है ना, यहाँ सामने कोड की फाइल दिख रही है HTML की, साथ साथ उसको क्या दिखता रहेगा, एक लिंक भी दिखता रहेगा जो कि इसी वेबसाइट का होस्टेड लिंक है, इसको हम कहते हैं होस्टेड लिंक। इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही क्या कर देगा ये, उस वेबसाइट को ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये जो हमने 2-4 क्लिक्स करके अपनी इस वेबसाइट को जो मैंने अभी अभी बनाई थी, इसको मैंने इंटरनेट के ऊपर लाइव कर दिया, इसको मैंने क्या कर लिया, इंटरनेट के ऊपर लाइव कर लिया। आप सब लोगों से भी हो गया ये काम? Yes, sir, yes. अच्छा, इसी तरह इसको अबाउट में सेव कर दें आप? कर दिया अबाउट में सेव। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब मार्केटिंग करेंगे है ना? Yes. अच्छा, तो हमने क्या शुरू में डिसाइड किया था कि हम थोड़ी सी करेंगे कोडिंग, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसकी मार्केटिंग करेंगे, है ना? तो मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, आ जाएं यार, किधर गया मेरा कैमरा, निकालते हैं इसको। यार लाइटें सारी जला दें जरा, जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छा, अब जितने कौन कौन से ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने ये वेबसाइट को लाइव कर लिया, ये उन्होंने ही किया होगा जाहिर है, जिन्होंने कल से बना के जो आए हुए हैं उन्होंने ही लाइव किया होगा ना इसको, वेबसाइट को, तो वो ना अपने पास अपने कंप्यूटर के ऊपर ये वाली स्क्रीन खोल के रखें। जो यार ये स्क्रीन मेरी चली क्यों गई, ओहो ये क्यों चली गई है, क्योंकि मैंने वो वाला आप जगह खोल के रखें जिसके अंदर आपकी जो है ना वो दिख रही है, जिसके अंदर आपका वो HTML की फाइल भी नज़र आ रही है और वो लिंक भी नज़र आ रहा है जो होस्ट हुआ हुआ, ठीक है ना? ताकि अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं अभी वीडियो ऑन करूँगा और आपके